मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी। विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। आज देश के गली गली में मोदी के गारंटी की चर्चा है और मोदी के गारंटी का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। अब जिन लोगों ने 60-65 साल तक इस देश को चलाया, लूटा, इस देश के संस्कृति को रौंदा, वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। गारंटी ये भी है कि आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी। और नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचाने की गारंटी दी तो वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसे में ये देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर लिया है। और ये विपक्ष अगर इसका विरोध करता है तो विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है, गरीबों के घर पे जाने वाली सुविधाओं का विरोधी है और शांति अमन से रहने वाले सुरक्षित भाव का विरोधी है। और ये देश विपक्ष को जवाब देगा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। टीएमसी का एक तंत्र बन गया है जो लोगों को डराना धमकाना, अगर टीएमसी के किसी व्यवस्था के लिए अगर बात कर रही है जनता तो उनको दौड़ा दौड़कर मारना, पीटना, बलात्कार करना, बेटियों को तरह तरह से यातनाएं देना। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। 2024 में मुझे लगता है मेरे पश्चिम बंगाल के सभी लोग पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को, और इसके बाद पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन भी देंगे जी। तमिलनाडु में AIADMK उम्मीदवार कह रहे हैं कि कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है, हर संभव तरीके से लोगों को धोखा देने का काम करती है। ये तो जग जाहिर है, ये तो सारे देश के उत्तर में तो था ही, पूर्व में तो था ही, पश्चिम में तो था ही, अब दक्षिण में भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतया भ्रष्ट है जी। मुख्तार अंसारी से भी उनके परिवार से मुलाकात की अखिलेश यादव ने उनके घर जाकर। देखिए, बहुत पुराना जो राजनीति का अपराध से मेलजोल हुआ, ये सब यही बातें हैं जो आप हमको बता रहे हैं। अब न तो उत्तर प्रदेश में न तो इस देश में कोई इस राजनीति और अपराध के इस गठबंधन को सब लोग समाप्त करने के लिए तैयार हैं। और देखिएगा, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएंगी। आखिरी सवाल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने ही देश को एकजुट कर रखा है। जिन लोगों ने इस देश को लूट लिया, जिन लोगों ने इस देश को खंड खंड करने के लिए कोशिश की, भारत के टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हुए, अब उन पे देश विश्वास नहीं करता।